अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के लिए पाकिस्तान ने किस कदर मदद की है, ये किसी से छिपा नहीं है। तालिबान को पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है। अफगानिस्तान संकट पर भारत ने अमेरिका में भी इमरान सरकार की पोल खोली है और कहा है, आतंक के आका के नाम से मशहूर पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाला पोसा है। अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है, उसने ही तालिबान का समर्थन और पोषण किया है। ऐसे कई तत्व हैं जो पाकिस्तान समर्थित हैं और इसलिए इसकी भूमिका को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश सचिव ने कहा, तालिबान को पालने वाले पाकिस्तान पर नजर रखनी होगी और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत की और कहा, अफगानिस्तान के हालातों पर अमेरिका और भारत नजर बनाए हुए हैं और साथ ही ये भी कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया है और वो तालिबान को पालता रहा है। ऐसी कई बातें हैं जिनमें पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की भूमिका पर नजर रखनी होगी। वॉशिंगटन में श्रृंगला ने कहा, अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हमने 4 प्रस्तावों को अपनाया जिनमें अफगानिस्तान पर प्रस्ताव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसने एक समावेशी बातचीत वाले राजनीतिक समझौते का आह्वान किया, तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों को निकालने की सुविधा की मांग की। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो चुका है और जल्द ही सरकार का ऐलान होगा। तालिबान के कश्मीर राग पर भारत ने करारा जवाब दिया। अफगानिस्तान में सरकार के ऐलान से पहले कश्मीर का राग अलापने वाले तालिबान को भारत ने करारा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि भारत संविधान का पालन करता है, यह मस्जिदों में दुआ करते लोगों पर गोलियां और बम से हमला नहीं किया जाता, न लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है और न ही उनके सिर और पैर काटे जाते हैं। देखिए भाई, वहाँ उन्होंने क्या कहा या यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं उस पर तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं बहुत ही उनसे हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि भैया हिंदुस्तान के मुसलमानों को बख्श दो। यहाँ पर जो है वो मस्जिदों में जो है वो नमाजियों को गोलियों और बमों से नहीं भुना जाता, यहाँ पर जो है वो बच्चियों को स्कूल जाने से नहीं रोका जाता, स्कूल जाती हैं बच्चियाँ तो उनके जो है सर पैर हाथ नहीं काटे जाते। ये देश जो है वो इस देश की सरकारों का जो घर धर्म ग्रंथ है वो संविधान है और संविधान से ये देश चलता है और संविधान जो है वो समावेशी विकास की गारंटी देता है, सबके साथ की गारंटी देता है और उसके साथ ही चलता है। यहाँ की छोड़ अपनी चिंता करे तालिबान, संविधान की पूजा करता है भारत। नकवी ने ये बात तालिबान के उस बयान के जवाब में कही जिसमें कहा गया था कि कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक तालिबान को है, और नकवी ने तालिबान से सीधे तौर पर कहा कि भारत के मुसलमानों को छोड़ दें, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि मुसलमान होने के नाते उन्हें ये अधिकार है कि वो कश्मीर, भारत और किसी भी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने कहा था, वो आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, आपके अपने नागरिक हैं, वे आपके कानूनों के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा। भारत इस बात से चिंतित है कि अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का केंद्र बन सकता है जो अपनी तरह का पहला देश है। अतीत में ISIS और अलकायदा ने भी एक राज्य स्थापित करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। ऐसी आशंका है कि सुन्नी और वहाबी आतंकवादी समूह तालिबान को अपनी पनाहगाह बना देंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत द्वारा इस क्षेत्र में सुरक्षा चौकसी बढ़ाने की उम्मीद। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।